अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्री गैबलिन। बेसिकली प्री गैबलिन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है। ठीक है, प्री गैबलिन फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन। अब प्रीगी है क्या, किस लिए यूज़ होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पेन पे। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी पेन होता है, पेन के नतीजे में पैरों हाथों के में पेन हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो जो नर्व्स जो सिग्नल हमारे बीच से यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उससे दूर हैं, दूर से मुराद हाथों पैरों में है, तो वो उनके लिए टर्म यूज़ होती है पेरिफेरल। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये सबसे नीचे लेफ्ट लेग पर पेन आपका हुआ उसको, और ये अब जाएगा ऊपर, जाएंगे सिग्नल्स, ये रेड लाइन में सिग्नल्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आ गए सिग्नल्स, सही है, या आपके आ गए न्यूरॉन्स, पेन के जो सिग्नल्स हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं। तो अब ये सिग्नल जा रहा है रेड कलर का, आपको दिख रहा है ये सेंटर में, देखें रेड कलर का ऊपर जा रहा है, ब्रेन में जाएगा आपके। अब ये पहुंच गया ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गया बेसिकली। अब ये आपके ब्रेन में पहुंचा तो ब्रेन में सिग्नल आएगा पेन का, पेन का सिग्नल आया, तो जो सिग्नल जिसके जरिए जा रहे हैं वो बेसिकली ये हैं न्यूरॉन्स, सही है। तो इसके अंदर राइट साइड पे देखें सेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ से सिग्नल जाएगा, और लेफ्ट साइड पे रिसीविंग लिखा हुआ है, नीचे देखें तो यहाँ पे सिग्नल रिसीव होगा, पेन का सिग्नल बेसिकली रिसीव होगा। अब ये जो बीच में चीज़ है ये है न्यूरॉन, न्यूरॉन की दो साइड है, जो दुम वाली साइड है वो कहलाती है एग्जॉन, और जो आगे वाली साइड है ब्रांचेस वाली शाखों वाली साइड है वो कहलाती है डेंड्राइट्स। खैर अब ये जो सेंडिंग वाली जगह को बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ होते हैं कैल्शियम चैनल्स। अब ये कैल्शियम चैनल्स होते हैं, यहाँ पे बाहर आपके न्यूरॉन्स के कैल्शियम आइंस होते हैं बेसिकली, सही है। तो बेसिकली पेन जो होता है वो कैल्शियम आइंस के न्यूरॉन्स के अंदर जाने से ही शुरू होती है कहानी। खैर आगे जाएंगे हम, तो बेसिकली ये जो कैल्शियम आइंस हैं ये आगे जाएंगे उस पे, जब ये बढ़ेंगे कैल्शियम आइंस बढ़ेंगे तो आपके न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा यानी कि सिग्नल्स जा रहे होंगे इसमें से, करंट की तरह जा रहे होंगे सिग्नल्स पेन के, तो एक करंट जनरेट होता है इनके अंदर जो कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। उसके नतीजे में क्या होता है, आपके न्यूरॉन के अंदर एक चीज़ है, कुछ भी करंट है, वो क्या करेगा, करंट के प्रेशर से ये कैल्शियम चैनल्स हैं, ये दुम के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स दिखाए थे उसको आगे खोल देगा। ये खोलेगा तो खोलने से ये होगा कि सारे जो आपके कैल्शियम आइंस हैं, ये जो ब्लू राइट कलर पे ब्लू ब्लू कैल्शियम आइंस हैं, ये अंदर चले जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो ये जाएंगे, ये जो आप लाइट ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये कहलाते हैं वेसिकल, इस पे जाएंगे, इस पे अटैच होंगे, फिर ये वापस आएंगे बाहर दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जाके अटैच होंगे, फिर उसमें से वो करंट वापस जाएगा और वो दूसरे न्यूरॉन के कैल्शियम चैनल्स को खोलेगा। अब इसके नतीजे में ये देख रहे हैं राइट साइड पर रेड कलर का ये करंट जनरेट हो रहा है, इसके नतीजे में न्यूरॉन की दुम वाली साइड से ऐसे कैल्शियम चैनल खुल रहे हैं, ये जैसे खुल रहे हैं, सही है। अब ये आ गए, इसके नतीजे में ये करंट हो गुजरने के नतीजे में क्या होगा, पेन जनरेट होगा जो कहलाएगा डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन, सही है, या पोस्ट थेरापेटिक न्यूरेल्जिया में भी आ सकता है ये, या न्यूरोपैथिक पेन में भी, सही है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास है प्रीगी, PDPN, पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन, सही है, या आपका हो गया पोस्ट हर्पेटिक न्यूरलजिया, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरलजिया सॉरी, और फिब्रोमेलेजिया, इसके लिए आ गई है हमारी प्रीगी। इसको देख लें आप, ये प्रीगी है। अब प्रीगी जाएगी तो ये जो कैल्शियम चैनल जो हमने देखे थे, कैल्शियम चैनल पे होता है α2 सब यूनिट, इस पे जाके अटैच होगी, इस पे जाके अटैच होगी और ये कैल्शियम आयंस को अंदर जाने से रोकेगी, इसको रो इसी यही मैकेनिज्म है मेन के न्यूरॉन के पेरिफेरल
पास होते हैं कैल्शियम चैनल्स, और प्रीगी क्या करती है उन चैनल्स में कैल्शियम आयंस को जाने से रोकती है और उन चैनल्स को बंद कर देती है। तो ये है बेसिकली प्रीगी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सही मायने में तो जो हम बोलते हैं ना अल्फा टू डेल्टा सब यूनिट ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, तो वो यही कर रही है प्रीगी। ये जो आपको दिख रहा है गेट, ये है कैल्शियम चैनल, और ये अल्फा टू सब यूनिट, ये आपको दिख रहा है प्लक्सा, ये अल्फा टू सब यूनिट है। तो प्रीगी जाके इस पर अटैच होती है और इसको बंद कर देती है, इसको ब्लॉक कर देती है। ये देखें, ये कैल्शियम आइंस को यहाँ पर रोक रही है। ये होता है प्रीगी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और पेन की कहानी आपको समझ आ गई होगी स्टार्ट में। थैंक यू।